नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वैसे तो हमेशा ही सारी वीडियोस स्पेशल होते हैं, बट आज बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हमारे घर में ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद सत्यनारायण की पूजा होने वाली है। एक्चुअली ऐसा है कि हर साल श्रावण के महीने में सत्यनारायण की पूजा होती है, बट 2 साल कोविड की वजह से नहीं हो पाई। फिर पिछले 2 साल हमारे कुछ क्लोज रिलेटिव्स गुजर गए, उसकी वजह से नहीं हो पाई, बट इस साल वो हो रही है। एंड यू नो इट क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वाइब, जो बहुत ही एक दिन होता है जो यू नो एवरीवन आर वेरी हैप्पी, सारे लोग एक साथ आते हैं, मिलना जुलना होता है। तो यस, आज का वीडियो जो है वो सत्यनारायण पूजा को लेके होने वाला है। और एक्चुअली सुबह ना मैंने काफ़ी तैयारी की और मैं चाहता था कि मैं आप सबके साथ वो शेयर करूं, बट इतना रश था, इतनी मैस हो गई थी सारी कि मैं शूट नहीं कर पाया, जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस अब तक नहीं देखे, कुछ फनी वीडियोस, कुछ रील्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, उसको जाके ज़रूर देखना। सो कम ऑन, पुढे भगीपट्टी झाल्यावर तिचे लग्न कांचन नावाच्या नगरातील एका योग्य वानाच्या मुलाबरोबर साधवाने तिचे लग्न करून दिले, पण त्याला सत्यनारायणाच्या पूजेची आठवण राहिली नाही, त्यामुळे भगवान सत्यनारायण जय देव जय देव नंबोदर पीतांबर मणिवर वंदना सर्वसुंदरीन दास रामाचा वाट पाय सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे गुरुवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती One eternity later. ने अभी तनुश्री ने अभी एक बहुत ही सुंदर सी रंगोली निकाली है। क्या है तनुश्री, क्या रंगोली निकाली है? एक पिंक कलर का पिकॉक है और इस पे लीव्स का डिजाइन किया हुआ है। ओके, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे लक्ष्मी माता का पैर बना हुआ स्टैम्प करके। ओह नाइस। यस, और यहाँ पे ना हमने कमल के फूलों का जो है वो डेकोरेशन किया है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी माता दोनों को भी कमल बहुत ही प्रिय है, तो मैंने सोचा कि इसका डेकोरेशन किया जाए। सो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा गया ना? हाँ, बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे पूजा हुई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे पूजा हुई है,
सो बहुत फन दिन था आज का, लाइक बहुत मजे किए सबने और लाइक अच्छा सराउंडिंग था घर का. सो पापा ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद घर पे वापस सत्यनारायण पूजा हुई, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों से सत्यनारायण महाराज की प्रसाद पूजा नहीं हुई थी अपने घर में कोविड की वजह से और कुछ दूसरे भी सकते. यस, तो बहुत ही प्रसन्न और अच्छा लग रहा है. हमेशा हमारे ऊपर सत्यनारायण महाराज कृपा रही है, ऐसी आगे रहे. करेक्ट, उनसे अभी प्रार्थना है. मम्मी क्या बोलना है? जो भी आप सब देख रहे हैं आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, सबको खुश रखे. ओके. और यहाँ पे मेरी फेवरेट मूवी चल रही है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 बार तो देखी होगी, लेकिन जब भी लगती है हम लोग हमेशा देखते हैं बिकॉज वरुण धवन इज माई फेवरेट हीरो. किस किस को वरुण धवन पसंद है, कौन कौन मतलब किस किस का वरुण धवन फेवरेट एक्टर है, कॉमेंट करके जरूर बताना. A few moments later. थोड़ी देर बाद ना हमारे घर पे क्यूट सा प्यारा सा बेबी आया था जो मेरा कजिन भाई था, उसका नाम था शौनक, और वो आया और सबका अटेंशन उसी की तरफ चला गया. बोलते कैमरा मध्य स्पेशल ट्रीटमेंट दिल पापा ने कुल्ले देखो आया उसे तुला नारा पानी जास्ते पीला दिस्ते बुरु असं थोडा थोडा सिद्धीसारखा वाटतो एकदम. हां थोडा सा थोडा नित्यावर असतो सारखे दोघं. हे असं सुद्धा डोळे सेम त्यांचे आणि ते कान तिचे सारखे तिचे सारखे. तो दर्शकों ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा. आज जैसे मैंने कहा बहुत टाइम के बाद घर में इतना कोई फंक्शन हुआ, 4 लोग मेहमान आए, यू नो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया. घर पे जब भी कोई प्रोग्राम हो या ऐसी कोई पूजा हो तो मेरा मन बड़ा खुश रहता है बिकॉज सारा प्रिपरेशन करना एंड ऑल ये सारा प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच, अब मैं वीडियो को यही पेंड करता हूँ. और वो क्यूट बच्चा देखा आपने जो मेरा कजिन भाई था शौनक, ही इज सच ए क्यूट गाय. और मुझे ना बहुत दिनों से लग रहा था कि कोई छोटा बेबी मिल जाए उसके साथ खेलूँ, और कल उसके साथ मैं बहुत खेला. तो हाँ जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ही लंबे टाइम तक यू नो मेरी दोनों एग्जाम्स चल रही थी, बट आज के दिन के बाद एकदम से रिलैक्स फील हो रहा है. सो चलो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय. थैंक यू.